छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई और उसके जो बड़े सबसे बड़े सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने ढेर सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जिस पर ध्यान नहीं दिया कि जो वहाँ के इंचार्ज है ओम माथुर साहब को आप जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाई थी। अक्सर वो अपने जीत का सहरा अपने सर पे नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार हम उनको दे रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्टोरी, टर्न अराउंड जो स्टोरी है उसके पीछे के फैक्टर क्या रहे। तो ओम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में सारे लोग कह रहे थे कि टफ फाइट है, मुश्किल है, तो कैसे अपने ट्राइबल बेल्ट में और ओबीसी जो वोटर है उन सब के बीच में आपने विश्वास कायम किया? देखिए, टफ फाइट तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं, और स्वाभाविक रूप से 90 में से हम सिर्फ एक कह सकता हूं कि हम 14-15 सीट पर थे। देखिए, कुल मिलाकर के सोशल इक्वेशन और भौगोलिक इक्वेशन दोनों का ध्यान में रखते हुए हमने व्यूह रचना की, और पहले दिन से हमें पता लगा कि जहां 45-46% ट्राइब्स हो या ओबीसी हो और 32% जहाँ ट्राइब्स हो, इसको ध्यान में रख के हमने पूरी व्यू रचना बनाई। और हमने प्रारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं नीचे पहुंची कि नहीं पहुंची उसका गहन नीचे से जानकारी ली। उसके साथ साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार का जो भ्रष्टाचार नीचे तक फैला है उसको उजागर किया। उदाहरण के लिए, अक्टूबर में मेरा पिछले 22 से जाना शुरू हुआ, पहली बार हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्तें पहुंचने के बाद भी स्टेट का पैसा नहीं देने से वो रुके, 8 लाख परिवार मकान, पक्के मकान की छत से वंचित रहे। तो हमने बकायदा प्रादेशिक लीडर से, यानी मंत्री मुख्यमंत्री रहे से लगाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को नीचे पंचायत लेवल तक भेजा, और हमने फॉर्म भरवाया कि देखिए आपका नाम सर्वे में था फिर भी नहीं मिला मकान, उसका दोषी कौन है, और उसका एक आंदोलन किया जबरदस्त। तो 8 लाख तो वो फार्म है, उसके साथ 4 लाख अपेक्षित फार्म भी आए। तो ये लोगों में अता हमारे 8 लाख मकानों को कोई खा गया है तो भूपेश सरकार खा गया। फिर शराब का घोटाला, आपने देखा होगा, 9-10 महीने हो गए उनके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग जेल में पड़े हैं। तो ये जो उन्होंने विधायकों को छूट दी वो की, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के हम गली गली गांव गांव तक जाए, लाभार्थियों के सम्मेलन करे। तो कुल मिलाकर के दो कह सकता हूं कार्यकर्ताओं का परिश्रम, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं और हमारा सोशल भौगोलिक इक्वेशन, और उसके साथ साथ भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, ये 3-4 विषय लेकर के मैदान में गए। और मैं सैल्यूट करूंगा मेरे कार्यकर्ताओं को कि चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, दोनों तरफ हमको मैक्सिमम आशीर्वाद वहां के मतदाता ने किया। सरगुजा की तो 14 की 14, यानी डिप्टी सीएम रहे हुए वो भी टीएस बावे भी हार गए, और बस्तर में भी जो 12 एकदम लश्लाइट बेल की सीटें हैं उनमें भी हम 8 सीट जीतर के आए। उसी का परिणाम रहा कि जो आप लोग नहीं सोचते थे, जो आप कह रहे थे कि संभव ही नहीं है, वो हमने संभव नहीं है असंभव को संभव करके दिखाया। तो कार्यकर्ताओं का परिश्रम और प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को हमने उसकी वजह से। ट्राइबल इलाकों में एक का क्या ये भी फैक्टर था कि जो पेशा एक्ट की जो बात थी, और देखिए ये सारे फैक्टर सब कुछ थे, फैक्टर उनके लगा कि हमारा पैसा दिल्ली से आया हुआ बीच में खाया जा रहा है, और ट्राइबल को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं, खाली बातें हो रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है, और वो हमने धरती पर उतारा। इसलिए ज्यादा कानूनी बातें या एक्ट या वो कोई ज्यादा बातें काम नहीं आई, और उनको पता था कि अगर हमको परिवार में कुछ अनाज मिल रहा है तो मोदी की वजह से मिल रहा है, मकान मिल रहा है तो मोदी की वजह से मिल रहा है, पेंशन मिल रही है तो मोदी की वजह से, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है तो मोदी की वजह से मिल रहा है, स्किल इंडिया है तो मोदी की वजह से। मैं बताऊंगा, बस्तर इतना घना जंगल, इतना बढ़िया टीक, वहां की वहां का आदिवासी इतनी सुंदर कारीगरी करता है, लेकिन क्योंकि नक्सलवाद की वजह से वो कारीगरी दुनिया में जबरदस्त टूरिज्म है, एक मोदी का भरोसा वहां काम आया। और दुर्भाग्य की जो 5 साल शासन करने वाला भूपेश, चुनाव के आने से थोड़े दिन पहले भूपेश में भरोसा के लेके सम्मेलन करने पड़े, जब वो भूपेश का भरोसा नहीं चला तो कांग्रेस का भरोसा के लेके गए,
लेकिन वो भी नहीं चला, वो उजागर हो चुका और इस वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। एक जो आपने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही उसका आपको फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप सीधे किसी को प्रोजेक्ट कर देते, रमन सिंह को कर देते या किसी को भी कर देते तो उसका नहीं। देखिए ये तो पार्टी की रचना रहती है, ये कोई मैंने नहीं की, ये पार्टी का निर्णय रहता है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है कि हमको फील्ड में किस तरह से। मैं 8-6 प्रदेशों का प्रदेश, कई जगह चेहरा लेके गए, बिल्कुल कई जगह बिना चेहरे लेके गए, तो ये सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड। लेकिन सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का निर्णय बहुत सटीक उतरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके, गृह मंत्री जी से लेके, रक्षा मंत्री जी से लेके, सब ने जो समय हमने मांगा समय दिया, उसका भी लाभ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा लाभ हुआ प्रधानमंत्री की गलत कल्याण और प्रधानमंत्री की गारंटी, यानी वो गारंटी पक्की गारंटी है, भूपेश का भरोसा यानी झूठा भरोसा है, और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये लगा हम जीते। अब जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कि जो फॉर्मर सीएम है रमन सिंह उनको आप दोबारा दें क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर जो एक नई लीडरशिप जो कल्टीवेट करने की बात। मैंने 90 में से 55 नए टिकट दिए और मैक्सिमम उससे जीत गया है। लेकिन ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न भी मेरे दायरे में नहीं आता। हमारी पार्टी का सिस्टम है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, ऑब्जर्वर तय करेगा, ऑब्जर्वर जाके विधायकों की राय लाएगा, विधायकों की राय यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद नहीं। अब वो अनुभवी आएगा कि गैर अनुभवी आएगा, लेकिन ये तय मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता सीएम बनेगा। एक सवाल आपसे राजस्थान से भी, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में जिस तरह का मैंडेट मिला है और जिस तरह की वहाँ पे लॉबिंग हो रही है, जिस तरह की मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, आपको लगता है कि वहाँ पे एक जो बार बार ये बात उठती है कि भाई वहाँ पे बियॉन्ड वसुंधरा देखने की जरूरत है। देखिए ये सब मीडिया की बातें हैं, ना कोई मसल प्रैक्टिस हो रही है, ना लॉबिंग हो रही, कुछ नहीं हो रही है। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करेगा राजस्थान में वही होगा, और ये निर्णय मैं बार बार आपको कहूँगा कि ये अधिकार सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है, और वो निर्णय करेगा, निर्णय जो भी निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक चुनाव आए पहले उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, यहाँ कोई व्यक्तिगत सिस्टम लागू नहीं होते, यहाँ पार्टी का सिस्टम ही लागू होगा, और पार्टी का सिस्टम इस विषय में सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड देगा। ओम माथुर जी फेस नहीं होंगे, उन्होंने पार्टी को इतने सारे राज्यों में ऑलरेडी है ही इतने सारे राज्य, लेकिन ये कोई सीएम के लिए फेस नहीं होते, सीएम क्या फेस होता है, फेस अपना खुद का होता है, इसलिए मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। आप धन्यवाद, आप राजनीति में उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये पोल्स चाहिए कि मुझे मेरी पार्टी ने कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा दिया, कितना मजबूत काम दिया, और मुझे जो भी काम दिया मैं ध्यान और कार्यकर्ता के नाते आगे भी पार्टी जो दायित्व देगी वो मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम माथुर जी का, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए, और खास करके बीजेपी की राजनीति के लिए, जहां पर सारे लोग ये मान बैठे थे कि वहां पर बहुत ही टफ फाइट है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, और भूपेश बघेल फिर से सत्ता में आ सकते हैं। शंकर अनिमेश।